जय हिंद सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोल्जर, आज मैं आपको बताऊंगा सीबीटी एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में। उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मैं डिक्टेशन भी करवाऊंगा, मेडिकल के रिव्यू भी दूंगा और साथ ही साथ मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, केमिस्ट्री के फुल प्रैक्टिस सेट अलग करवा रहा हूं और टॉपिक वाइज अलग करवा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अलग होगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की एक नाम की प्लेलिस्ट है। इसमें क्या है, मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। मैंने 5-6 टॉपिक करवा दिए हैं और आज मैं टॉपिक करवाऊंगा सोल्यूशन। हर एक टॉपिक के कम से कम 35 क्वेश्चंस लेकर आता हूं, वीडियो जब करवाता हूं तो 35 क्वेश्चंस वहां पे करवा देता हूं कि अगर आपका जो भी टॉपिक वीक है केमिस्ट्री में, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा और गुड हो जाएगा, आप इंप्रूव कर लेंगे अपनी तैयारी। तो इसीलिए मैं टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं केमिस्ट्री की और साथ ही साथ मैं आपको पूरा फुल केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, फुल प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूं, जिसमें क्या होता है 20 क्वेश्चंस होते हैं और 200 क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे लेवल के केमिस्ट्री में यहाँ पर करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर बात कीजिएगा। आपका जो भी टॉपिक वीक है आप उस टॉपिक पर क्लिक करें, उस टॉपिक के नाम पर, और उसके जितने क्वेश्चंस उसमें 30-35 जितने हैं आप कर लीजिएगा तो वो टॉपिक केमिस्ट्री का आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर आप फुल प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो आप अगर केमिस्ट्री मजबूत कर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं अभी जस्ट सीबीटी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के ऊपर बात करूंगा, उससे पहले आप बात करूंगा आपके एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, देखो वीडियो को भी पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी आधी बातें, मेरी आधी बात जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो छूट जाएंगी। देखिए, अगर आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स, ठीक है, और आपकी मैथ ये तो ऑलरेडी मजबूत है ही, लेकिन केमिस्ट्री आपकी मजबूत नहीं है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब जाकर आपके लिए सीबीटी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड सही है। अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब है तो फिर इस एडमिट कार्ड का आप क्या करेंगे, क्योंकि इस बार आप ये मत सोचिए कि आपके अगर 120 नंबर आ जाएंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। ये मत कहना कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आप मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं। कम से कम इस बार जो कंपटीशन में अगर आप रहना चाह रहे हैं तो 160 नंबर लाएं, क्योंकि वैकेंसी कम है और आपको पता है बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो वैकेंसी है वो बहुत कम आई है और इसकी कट ऑफ वैकेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ज़्यादा वैकेंसी होती है तो कम रहती है, कम वैकेंसी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 160 नंबर इसमें लाएं और डिक्टेशन में 40 नंबर लाएं। डिक्टेशन भी मैं इसी चैनल पर करवाऊँगा, बहुत अच्छा डिक्टेशन मैंने पहले भी करवाया था और इस बार भी करवाऊंगा, मेडिकल का रिव्यू भी इसी चैनल पर दूंगा। तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब मैं बात करूंगा सीबीटी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो सीबीटी एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड के पास मेरे पास जो नोटिस है, जहाँ से मैं पढ़ूंगा, मैं जिस वेबसाइट से नोटिस निकालता हूँ वो वेबसाइट और उसका जो पेज है वो आपकी स्क्रीन के इधर साइड में शो हो रहा है, तो आप वहाँ से पढ़िएगा, मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, जस्ट अभी आपके स्क्रीन पर शो होने लगेगा, एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, लिखा है इसमें, ज़रा पढ़िएगा आप, कि बाय द लास्ट वीक ऑफ मई 2023 द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट सेल विल बी डिस्ट्रीब्यूट बीएसएफ एससी आरओ एंड आरएम एडमिट कार्ड 2023। क्योंकि 4 जून को क्या है, 4 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपको ये भी पता है कि अगर एग्ज़ाम इस बार, पिछली बार क्या हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, इस बार ऑनलाइन होने वाला है, तो आप लोग को अफवाह में किसी ने बताया होगा कि एग्ज़ाम लेट होगा, डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता दूं तो अब तक हमें नोटिफिकेशन मिल गया होता, क्योंकि 4 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आज 29 मई हो चुकी है, 29 मई, तो आपको अब तक नोटिस मिल गया होता कि आपका एग्ज़ाम 4 जून को नहीं होने वाला है। आपका एग्ज़ाम 4 जून को ही होने वाला है, आप तैयार रहें और आप प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री के भी दे लें, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप 18 क्वेश्चंस करेंगे तो आप कंपटीशन में बन पाएंगे, नहीं तो आप कंपटीशन में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। और केमिस्ट्री अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करिएगा। और आज मैं सोल्यूशन करवाऊँगा, सोल्यूशन के 35-40 क्वेश्चंस करवाऊँगा, साथ ही साथ आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 या 7 जो भी होगा
वो भी यहाँ पर करवाऊंगा, जो फुल प्रैक्टिस सेट होगा, और वो जो हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज चल रहा है वो सोल्यूशन टॉपिक होगा। तो मैं जब तक लगभग मैं 2 जून तक करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर होना है। तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा है कि आपका जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मई को क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब सर आप कहेंगे सर लास्ट वीक ऑफ मई की आप बात कर रहे हैं, वो तो हो गया, कहाँ हो गया, अभी 2 दिन बकाया है, आज 29 तारीख है ना, 30 और 31, इन 2 दिनों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक जैसे ही एंड होगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। क्योंकि बीएसएफ एससी आरओ एनडीआरएम क्या करता है, अपना ये जो एडमिट कार्ड निकालता है ये बिल्कुल लास्ट करीब बिल्कुल आखिरी में आकर निकालता है। जैसे पिछली बार की अगर बात करूँ प्रीवियस की, तो आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम 20 नवंबर को होना था, 20 नवंबर को होना था 2022 में, और इसने जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था 14 तारीख को कर दिया था, 14 नवंबर को किया था। लोग कह रहे थे 10 दिन पहले करेगा, लेकिन नहीं, इसने क्या किया था, 6 दिन पहले किया था। उसी प्रकार जब इसका फिजिकल का मेडिकल कार्ड आया था तो 16 जनवरी से इसका फिजिकल होना था, 16 जनवरी से, लेकिन इसने जो एडमिट कार्ड अपना रिलीज़ किया था वो 12 या शायद 13 जनवरी को अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था फिजिकल के लिए। यानी कि जो भी एग्ज़ाम होता, चाहे मेडिकल एग्जामिनेशन हो बीसेप का, या फिर हमारा मेडिकल हो, या फिर फिजिकल हो, या रिटर्न एग्ज़ाम हो, ये जब एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है तो 2 से 4 दिन पहले ही करता है, 10 दिन पहले बीसीएफ नहीं करता है। तो इसका जो आपका एडमिट कार्ड आएगा सीबीटी एग्ज़ाम का बीसीएफ का, वो आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ कि 1 जून, आप लिख लीजिएगा 1 जून को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि 4 जून को आपका एग्ज़ाम है। देखिए 1 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि 4 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो आप अपनी प्रिपेयर करिए, अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस करिए। तो आप जो वेबसाइट में बता रहा हूँ उस वेबसाइट को भी एक बार विजिट करिएगा, क्योंकि ये वेबसाइट बिल्कुल रियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं पिछली इस वेबसाइट से मैं पिछली बार भी अपडेट लेता था, मुझे एक्चुअल रियल मिलती थी, और इस बार भी मिलती है। वेबसाइट का जो नाम है, जिस वेबसाइट से मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा यहाँ पर, वेबसाइट है रंजीत यूजी 2021, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, रंजीत दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा आपको तो मैं इधर लिख रहा हूँ वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो वेबसाइट का जो नाम है वो है रंजीत यूजी.com 2021। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मैं पहले भी विजिट करता था, एकदम रियल अपडेट मिलती थी, और इसी वेबसाइट से ये नोटिस आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी को प्रिपेयर करें। आप देखिए यहाँ पर ऊपर शो भी हो रहा है रंजीत यूजी.com, ठीक है। तो जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और आप टेंशन मत लेना, आपका जो डिक्टेशन है, आपका जो मेडिकल रिव्यू है, या जो भी आपका जो पेपर हो जाएगा उसका जो वो नहीं कराते आंसर की करवाते हैं, वो भी मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा, सबसे पहले आपको करवाऊंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा और उसका जो सोल्यूशन होता है, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है, विद प्रूफ यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।